इस पर हजरत मौलाना जनरल आबदीन दामद बरकातहुम बहतमीन दारुलूम शाह वलीउल्लाह बेंगलोर का खिताब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दुनिया में जो भेजा है, हमेशा के लिए नहीं भेजा। जो भी यह आया है वो जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं आया है। जब जाना है तो क्या लेकर जाना है? जाते हुए जैसे सफर में हम जाते हैं, तो जब जाते हैं तो अपने साथ सामान सफर लेकर जाते हैं कि हमारे पास क्या सामान हो। मिसाल के तौर पर मैं बेंगलोर से आया, पता चला कश्मीर में सर्दी होती है, आया हूँ इससे पहले भी कि किसी मीनार के मौके पर, तो सर्दी के सामान लेकर आया मैं। तो जैसे सफर में जाते हुए सामान लेकर जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, ऐसे ही हमको यहां से हमेशा के लिए जाना है, रिटर्न नहीं है। फिर मेरा तो रिटर्न है, मैं आया हूं कश्मीर में, इस बार रिटर्न है मेरा, लेकिन हम जहां जाएंगे वहां से रिटर्न नहीं है, वापस ही नहीं है। तो जाने से पहले तैयारी करना, तो तैयारी करने का तरीका क्या है, तैयारी कैसे करें, ओन सर्विस ना हो, ओन सर्विस, मैं जैसे जी चाहे खाऊं, जैसे जी चाहे पियो, जैसे जी चाहे जिंदगी गुजारूं, वो कैफियत ना हो, बल्कि बाकायदा हमारे दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए, जैसे मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, लकद काना लकुम, तुम्हारी दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी, लकुम दुनिया की भी कामयाबी। हम मिसाल के तौर पर दोनों हाथ खाना खाने से पहले गट्टों तक धो बोलते हैं, सुन्नत तरीका है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि कर्जा अदा होकर मौत आएगी। दुनिया का फायदा हुआ नहीं हुआ? आजकल कर्ज में जिसे पूछो, जिससे पूछो वो तो भैया ड्यू चल रहा है, कमा रहा अच्छा,
खूब कमा रहा है, फिर भी पूछो ड्यू चल रहा है। अब कर्जा अदा होना और कर्ज, जब जनाजा आता सरकार दुआलम सल्लम पहले पूछते कि इसका कर्जा है क्या, अगर कर्जा होता तो जनाजा कहते मैं नहीं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हालांकि वही सरकार सल्लम मुनाफिकों के सरदार की जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं, लेकिन ईमानदार अगर कर्जा के साथ मर रहा है उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहे। तो इसी से पता चलता है कर्जा कितनी बड़ी मुसीबत है। अल्लाह बचाए, यहां का तो मुझे नहीं मालूम हमारे इलाके में क्या करते हैं कि कर्जा अगर मिल गया तो साफ कहते चोरी करने की जरूरत ही नहीं, कर्ज लेते हैं तो मिन्नत समाजत करके ले लेते हैं, जब देने का वक्त आता है देता हूं दूंगा इस तरह टाल मटोल करते करते तो मैं नहीं दे रहा, क्या करता कर लो, ऐसा जुल्म चल रहा है, ऐसा जुल्म चल रहा है। तो अर्ज करने का मंशा यह है कि लोग कर्जों को मामूली समझ रहे हैं, हालांकि जनाजे की नमाज जुल्म नहीं पढ़ा रहे, इतना सख्त वईद है, इसकी सख्त सजा दे रहे हैं। हज़रत अली करमल्लाहु जो फरमाते अल्लाह के सुब्हे मैं इसका कर्जा अदा करूंगा, आप पढ़ाते नमाज। तो मेरे बुजुर्गों, अब हम हाथ धो रहे गट्टों तक, आजकल फैशन हो गया है चमचों से खाने का, या धोते हैं तो सिर्फ चार उंगलियां धो लेते हैं, ऐसा बस कहते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे टाल मटोल नहीं। हम लोग सरकार सल्लम के बारे में क्या होता है कि दोनों हाथ गट्टों तक धो, इसकी एहतमाम करें, खुद करें, घरों में अपने मस्तूरात को बोलें, फिर अपने बच्चों से, बच्चों को भी आदत डालें कि बच्चों को अभी से आदत डालेंगे तो जन्म की आदत जनाजे तक, जन्म की आदत जनाजे तक, बच्चे अभी से शुरू करेंगे तो मौत तक छोड़ेंगे नहीं। उसकी एक मिसाल देखता हूं मैं, हमारे अकाबिरीन में हजरत मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने बहुत काम लिया हजरत से, आखिरी वक्त में हजरत की कैफियत ऐसी हो गई ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं, बिस्तर में पड़े थे। तो उनका खादिम, उनका खादिम वो जो मोजा पिला रहा था, तो खादिम जब बैठता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब बैठेगा तो उसका सीधे हाथ के सामने बाया पो, बाया पो होता है, तो वो खादिम जो था अपना बाएं पो तरफ, बाएं पो को पिलाना शुरू किया सॉक्स मोजा, जैसे ही पिलाना शुरू किया हजरत उसी हालत में एक चीख मारे, ई चीख मारती समझ गया वो, फिर सीधे में पिलाया बाद में पाओ, क्यों शुरू में आदत पड़ गई, शुरू में एहतमाम रहा, वो एहतमाम मौत तक बाकी रहेगा। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है लकद काना लकुम, तुम्हारी दुनिया की भी कामयाबी आखिरत की भी कामयाबी, दुनिया की कामयाबी कि हजारों मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं कि मुसवाक का एहतमाम, आज हमारे घरों में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक के पुरुष मौजूद हैं, लेकिन मिसवाक के बारे में आगे पीछे वाला मसला,
मिसवाक के बारे में आगे पीछे हो रहा मसला, जरूरी नहीं समझ रहे मिसवाक को, जरूरी नहीं समझ रहे। हालांकि अस्सीवाकू मित हरतुन लिल फम बरजातुल रब, मिसवाक करना मुंह को पाक करता है और अल्लाह को राजी करता है। तो हम लोग इसका भी एहतमाम करें कि जिस तरह हम बुरुश का एहतमाम कर रहे हैं, इसका मतलब है बुरुश को छोड़ नहीं बोल रहा हूं मैं, बुरुश को छोड़ नहीं बोल रहा हूं, बुरुश के साथ पहले मिसवाक, पहले मिसवाक इसका भी एहतमाम हम करें। और फिर हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना हर काम सरकारे तो आलम सल्लम की जिंदगी उस्वतुन हसना, अल्लाह फरमा रहा है बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना, समझ रहे हैं? हमको देखकर लोग फैसला करें हम अपने आप को ऐसे बना लें। चंद साल पहले से कई बार जाना हुआ सर ही मुझे बाजार पे हाजिर दिन जाना होता है तो वहां चले जाओ आप क्या देखेंगे, पंजाब में छोटा बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, मिलिट्री पे है, पुलिस पे है, जिस डिपार्टमेंट में भी है वो अपना पटका नहीं छोड़ता, बहुत देख के बोलेंगे ये पंजाबी बच्चा, पंजाबी, ये सिख, फौरन बोलेंगे। लेकिन बदनसीबी हमारी है इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है, तारुफ कराना पड़ रहा है ये फुला सारे में। नहीं मेरे बुजुर्गो, हम अपने आप को सरकारे दौर सल्लम की जिंदगी बना लें। आप आइडियल हैं, अल्लाह फरमा बेहतरीन आइडियल है, तो हम अपनी जिंदगी को नमूना बनाकर रहेंगे। जिस तरह हजरत सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सारी जिंदगी नमूना बनाए, कभी भी किसी भी वक्त छोड़े नहीं, चाहे गुर्बत हो, मालदारी हो, ओहदा हो, हर वक्त सुन्नत का लिहाज रखे। जैसे हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार साहबी, अल्लाह ने बाद में उनको गवर्नर बनाया। जब गवर्नर बने तो उनसे मुलाकात के लिए बरादरान ने मेरा थे मुलाकात के लिए आए। जब मुलाकात के लिए आए तो हदीस पे आता है मनका नहीं बिल बिल्ला है बलियो बिल्ला आखिर पर लेकिन हुज़ैफ़ा, जो अल्लाह पर आखिरत पर यकीन रखता है उसको चाहिए कि मेहमान का एहतराम करे। तो मेहमानों के इकराम उनके खाने का इंतजाम किया। फिर उसके बाद हदीस पे आता है कि जब खाना खा रहे तो खाने के नीचे गिरे और सुनिए, आजकल खानों के दामों की जितनी बेहरबती हो रही है दावतों में घरों में, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, उंगलियों में खाना, वॉश बेसन में खाना, दस्तर में खाना, प्लेट पे खाना, हर चीज है, हर जगह खाना ही खाना। यहां देखो खाने के नीचे गिरे, जैसे गिरे
उठा रहे हैं। क्यों? सवाल यही है कि जब खाने के नीचे गिर जाए उसे हकीर समझकर मत छोड़ो। आज अगर तुम हकीर समझकर छोड़ोगे कल अल्लाह उसका बहुतान बना देगा। ये मैं हदीस आज से तकरीबन 35 साल पहले मुरादाबाद में जमात के साथियों के सामने सुनाया तो हमारे साथियों ने कहा कि हजरत तो हदीस आप सुना रहे बिल्कुल सही है। बोले कैसे, क्या मतलब? कहने की हमारे यहां एक बहुत बड़ा करोड़पति था, कई प्रॉपर्टियां थे। वो क्या करता, बेकरी से ब्रेड खरीदता, नर्म हिस्सा खा लेता, सख्त हिस्सा फेंकता। समझाने वाले समझाते तो कहता मेरा पैसा तेरा शौक। तो याद रखो मैं हमेशा बताता कि शराब का नशा रात को क्वार्टर पियो, लीटर पियो, सुबह को नॉर्मल। लेकिन माल का नशा जब तक जूते पड़ते ही उतरता नहीं उतरता। अब उसे नशा था, कहता मेरा पैसा मेरा शौक, तुम कौन बोले? फिर उसके बाद कुरान अल्लाह फरमाता है दिल के लिया फरमानस उतार चढ़ाव होते रहता है। हालात है वो प्रॉपर्टी बेचा, वो बेचा, वो बेचा, वो बेचा, वो बेचा, आखिर में लोगों से भीख मांगने लगा। ये जिंदा मिसाल बता रहा हूं। तो इसलिए हमें चाहिए क्या खादों के तालों से जो बेहतियाती हो रही है उसे खत्म करें। अब देखो वो सहाबी रसूल ताने उठाए तो बाजू था ना मैं उसकी मुझे कोई भी से इशारा करके यू किया ये कंपल्सरी का उठाना नहीं उठाते ईमान चला जाएगा क्या? जैसे आजकल पूछते ना टोपी पहनना जरूरी क्या, छुपा पहनना जरूरी क्या, दाढ़ी रखना जरूरी क्या, जरूरी क्या, जरूरी क्या, पूछते पूछते सबको बर्बाद कर दिया। उसकी मिसाल समझाने की मिसालों से बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो एक साहब घर गए, घर जाकर अपनी बीवी से कहते मेरा पैजामा लंबा हुआ कट करो। तो बीवी ने कहा कि बहन को बोलो, बहन के पास आया, बहन बहन पैजामा लंबा हुआ कट करो। तो बहन को अम्मी को बोल, तो अम्मी के पास गया, अम्मी अम्मी पैजामा लंबा हुआ कट करो। अभी बोली बीवी को बोल, तो उसे बेजार ही हुई, बेजार हुआ, तहबत बांधा, पैजामा खूटी बांटे पे सो गया। कुछ देर के बाद बीवी को ख्याल आया अल्लाह मैं अपने सरताज की बात करता ली, वो थी जरा करके सो गई। फिर थोड़ी देर के बाद बहन का ख्याल आया अल्लाह मेरा भाई उसके साथ खेली थी, नाची थी, फुला फुला सो पूरी तारीफ याद करके वो जरा करके सो। फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया अल्लाह मेरा जिगर कर थोड़ा, मेरा जवाब कर थोड़ा, कभी नहीं उसको अब सुबह को उठ तलाश करना पैदा हुआ वो चट्टी को करे। इस तरह हाल हो गया आजकल कि क्या भाई टोपी जरूरी नहीं, छुपा जरूरी नहीं, पैदावार जरूरी नहीं, नहीं नहीं बोली पूरा दिन खत्म कर दिया। क्या जबरदस्त हुसैन खाली तरह को गवर्नर रहे उठाने लगे ऐसा पूछा है क्या जरूरी है क्या? तो हजरत ने कयामत तक आने वालों को कयामत तक आने वालों को समझ से आया ये जुमला कहकर फरमाया हजरत ने अतरुक सुन्नत हबीबी लिहा उलाई होगा। क्या इन पागलों के वास्ते मैं अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ू? हजरत साहबा इकराम की नजदीक सरकार दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अलावा
کی حیثیت کو سمجھے, اپنے مقام کو سمجھے اور اپنے آپ کو بنائے. کچھ بھی نہیں, سنیاس ہونا نہیں ہے, جنگل جانا نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. وداؤٹ چلڈرن فادر ہمارے پاس نہیں ہے, وداؤٹ چلڈرن مدر ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تزوج البنون البنون, خوب محبت کرنے والی, خوب بچے جننے والے سے شادی کرو. یہ مسلم فرمایا, ہم تو الگ کہنا نہیں ہے, رہنا ہے, رہتے ہوئے طریقہ بدلنا, کھڑے ہو کر پینے بیٹھے بیٹھ کر پیو. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ نے جب 1980 میں بخاری شریف پڑھ رہا تھا دو حدیث, تو اس وقت حضرت نے فرمایا تھا 1980 میں, کھڑے ہو کر کھانے پینے سے اور بعد میں کھڑے ہو کر غسل کرنے سے, ان دونوں جو میں نے فرمایا ہارٹ اٹیک کی بیماری آتی ہے. 1980 میں ہارٹ اٹیک سنتے ہی نہیں تھے, بہت ریئر کیسز تھے. اب کیا ہو گیا ابھی جوان جوان ہارٹ اٹیک کیوں بھائی؟ کھڑے ہو کر پی رہا ہے, کھڑے ہو کر کھا رہا ہے, سنت کے خلاف اس کا اس کی روسر. تو لقد کان لکم, تمہاری دنیا کی بھی کامیابی آخر کی کامیابی کیا ہے؟ فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین ایڈیا ہے, آئیڈیل ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو ٹاپ ٹو باٹم, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سندر طریقے پر زندگی گزار لیں گے, صحیح زندگی گزار لیں گے, انشاءاللہ صبح انشاءاللہ پھر کوئی ہمارے بارے میں سوچے گا بھی نہیں. کیوں؟ نسیر تو بھی رو بھی مسیر تشہ, اور کیا مقال علیہ السلام, میری مدد کی گئی ہے میرے پاس پہنچنے میں. ابھی ایک مہینے کا فاصلہ ہے, ڈسٹینس ہے, وہی سے اس کے اندر گھبراہٹ شروع ہو جاتی. اسی کو ایک شاعر نے کہا, جب نام عمر سن کر اکرم تھرواتے تھے شاہان جہاں. تو فاروق اعظم کے پاس یہ کہ 47 نہیں, آئٹم بم نہیں, مشین گن نہیں, ہائیڈروجن بم نہیں, آئٹم بم نہیں, میزائل نہیں, کیا تھے؟ سنتیں تھیں. چھپا کیسا ہے؟ 18 پیون, چمڑے کا پیون, اس میں چمڑے. تو اس لیے میرا بزرگوں, اگر ہم اپنی زندگی, ہماری لائف چینج کر لیں, سنت کے مطابق کر لیں کہ ہمارا پیجامہ تخلے کے اوپر رہے گا, یہ طے کچھ بھی ہو جائے. ہمارے مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جلال آباد کے اللہ والے, صاف فرماتے, اگر مجھے کوئی شوٹ کر دے میں شوٹ ہو جاؤں لیکن بولنا نہیں چھوڑوں گا. تخنوں کے نیچے پیدل پہننا حرام حرام حرام, سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلی حدیبیہ کے موقع پر حضرت نے بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے لیے, تو حضرت عثمان جب گئے ہیں مکے کو, کہنا تھا آپ کی تہبن احرام کی چادر نیچے والی وہ جس ساخ پر تھی ہاف بلڈی پر. ساتھیوں نے کہا عثمان ذرا نیچے اتر, کیا فرمایا؟ ایک سینٹی میٹر نیچے نہیں ہوتا ہوگا, میرا آقا کی حد تک ہے, یہاں تک رکھوں گا. یہ ایگزامپل ہمیں بنانا ہے اپنے آپ کو, ایسے اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہے. جب ہم اپنے آپ کو اس طرح نمونہ بنا لیں گے, خدا کی قسم پھر اللہ کی مدد آ جائے گی. وَلَوْ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
लफतहना अलैहि बरकातिन मिनस समा, अल्लाह फरमा रहे अगर ईमान अरे वाले अहले कुरान आमनु वत्तकौ, तक्वा तक्वा क्या है? गुरु की जिंदगी के जिंदगी के ऊपर जिंदगी के दिलाने का नाम तक्वा है, तक्वा है दूसरों के तरीके को जिंदगी गुजारना, लेकिन सुन्नत को जान जान कर अमल करना, इसी का इसी तक्वा है। वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, हम खोल देंगे आसमान से जमीन बरकतों के दरवाजे, जमीनों से भी आसमानों से बरकत आ जाए। कर्ज मेरे बुजुर्ग को बहुत ज्यादा हो रहा है, अर्ज करने का मंशा यह है कि अभी बस छोटी छोटी बातों को छोटी कर सकते। बकौल मौला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के हत्ता फरमाया था, कोई सुन्नत छोटी नहीं है, हर सुन्नत हर सुन्नत की कीमत सातों जमीन और सातों आसमान से बढ़कर है, बढ़कर है। इसलिए हम अपने आप को मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आइडियल अल्लाह ने बनाया है उसको अपना कर अपनी जिंदगी बना लेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया भी अच्छा रखेगा, सुकून के साथ रखेगा, चैन के साथ रखेगा, और इंशाल्लाह हमारी जो औलाद होगी वो भी उनकी भी सिद्धत का एहतमाम बचपन से सिद्धत होगा। छोटे बच्चे हैं मैं कहता नहीं, छोटे बच्चे हैं उनको भी पैजामा पहनाओ तो सीधा पहनाओ, छोटे दूध पीते बच्चे हैं छोटे घोड़े पिला रहे हो सीधा पिलाओ निकाल दे बयां। इस तरह अगर हम माहौल बना लेंगे, चप्पल पहन रहे सीधा निकाल रहे बयां, भूल कर निकाल भूल कर पहन लिए नहीं फिर निकाल कर फिर पहन लो, इस तरीके से हम एहतमाम करेंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे हालात बदल देंगे, फिर अल्लाह तबारक ताला हमें नवाज देंगे। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है, बस अल्लाह से दुआ कर लेते जो कुछ कहा गया सुना गया कहने वाले को सुनने वालों को सबको अपनी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।